निवेदन है कि इस डेडलाइन को बढ़ाया जाए। विगत 10 वर्षों में सामान्य और ओबीसी श्रेणी के किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं मिल पाए हैं, इसकी वजह से बिजली चोरी बढ़ रही है, किसानों की बड़ी समस्या बढ़ रही है। इस बार क्योंकि राज्य में बारिश बहुत अच्छी हुई है और जो हमारा जल स्तर है वो भी बहुत काफ़ी बढ़ गया है। आपकी एक डेडलाइन और थी 2009 के बाद जो कुएं हैं, तो मेरा निवेदन है कि ये दोनों डेडलाइन, इन पर पुनर्विचार करें और राज्य के किसानों को और जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के किसान हैं उनको भी विद्युत कनेक्शन मिले। और आपकी इस संवेदनशील सरकार, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो लगातार किसानों के बारे में सोच रहे हैं, उनका एक बड़ा मैसेज राज्य के किसानों को जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस बारे में एक निवेदन और करूँगा कि करीबन 2.5 लाख कनेक्शन राज्य में अभी बाकी हैं जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें विभाग द्वारा कनेक्शन जारी होंगे तब हम हमारे खेतों में पानी से सिंचाई कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा, कल बजट घोषणा है और आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया था और इस बारे में निवेदन किया था कि इस पर विचार करें और राज्य के किसानों को एक बड़ी राहत देकर आप एक बड़ी सौगात दें, जिससे ये सामान्य और ओबीसी के जो कृषक हैं जो 2012 से लगातार आवेदन कर रहे हैं और उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिल पा रहा विद्युत का कनेक्शन, वो विद्युत कनेक्शन मिले, सिंचाई में कमी आएगी, इसके साथ साथ किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, 31/1/2012 की जो डेडलाइन दी हुई है उसे बढ़ाया जाए। साथ ही जिन किसानों के कुएं खुद चुके हैं, चाहे वो कभी भी खुदे हों, चाहे 2009 में खुदे हों, चाहे 2009 के बाद खुदे हुए हों, उन सबको विद्युत कनेक्शन आवेदन करते हैं तो उनको कनेक्शन देने का, जारी करने का आदेश जारी कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सरकार इसी बजट में घोषणा कर राज्य के सभी श्रेणी के किसानों को विद्युत कनेक्शन जारी करें, कर राहत प्रदान करें और 2009 के बाद खुदे हुए कुओं को भी, जो बैन किया गया है 2009 के बाद खुए कुओं को, उस बैन को भी समाप्त कर सभी आवेदकों को जो आवेदन कर रहे हैं उनको विद्युत कनेक्शन जारी करें। ये अपने आप में सरकार का किसानों के हित के लिए एक बड़ा कदम होगा जिससे राज्य के किसानों में खुशहाली आएगी और सरकार के प्रति भी किसानों का विश्वास बढ़ेगा। धन्यवाद जोशी।